हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी ये महामारी के चक्कर से अभी बहुत ज़्यादा टाइम बेकार चल रहा है, इसलिए आप फ्रेंड्स आप अपने घर में सेफ रहिए, ठीक है? और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए फ्रेंड्स, ठीक है? और अपने मम्मी पापा का फ्रेंड्स ख्याल रखिए, ठीक है? उनकी देखभाल कीजिए। और फ्रेंड, स्टे होम सेफ लाइफ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम बेकार चल रहा है, आप देख पा रहे हो, मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना टाइम बेकार चल रहा है अभी, कितनी ज़्यादा हॉस्पिटल में, कितना मतलब फ्रेंड्स रूम भी खाली नहीं है, बेड भी खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा मतलब कमी हो रही है फ्रेंड्स। ये सब बात मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? आप अच्छे खासी भरी बातें जानते हैं, तो आप फ्रेंड्स इसमें भलाइए, कब अपने घर पर रहिए, ठीक है? तो किस तरह से हमने प्लॉट की प्लानिंग की है, ठीक है, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। इस जो मैं आपको प्लॉट के बारे में बता दूँ, ये प्लॉट हमारी फ्रेंड्स 30 फीट इसकी चौड़ाई है और 45 फीट इसकी लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है? यानी 30 से 45 का हमारा ये प्लॉट है। इसकी रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स किस तरह से, हमें कस्टमर के मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो प्लॉट का एरिया फ्रेंड्स हमारा 1350 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम चाहिए, 1 गेस्ट रूम चाहिए और अटैच टॉयलेट बाथरूम चाहिए, स्टेयर केस हमारा कॉमन रहेगा, किचन हमें चाहिए, लॉन चाहिए, लॉबी चाहिए, WC भी हमारी चाहिए और पार्किंग चाहिए, एक पूजा रूम भी हमें चाहिए। तो हमने 1350 स्क्वायर फीट की जगह में हमने किस तरह से इतनी चीज़ों को हमने मेंशन किया है, इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारे साथ और अंत तक देखते रहिए। तो यदि अब आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मिलेगा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमें माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स मैं थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो जाता हूँ, 1 हफ्ते के समथिंग वैसे वीडियो आ जाती है मेरी, लेकिन ऑफिस का काम रहता है, इस चक्कर से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ फ्रेंड्स। तो 1 हफ्ते के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगा रहेगी और मिलती रही है फ्रेंड्स, ठीक है? तो किस तरह से इसकी प्लानिंग की वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये फ्रेंड्स हमारा 10 फीट हमारी मेन एंट्रेंस गेट रहेगा, इसमें हम एंटर करेंगे तो ये हमारी पार्किंग आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स? ये हमारा आप रहेगा, ये हमारा स्टेयर एरिया जो हमारा ये 6 इंची डाउन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये 15 फीट है, यहाँ पे हमने एक 4 व्हीलर गाड़ी और एक बाइक इजली पार्क हो सकती है। 3.5 फीट चौड़ाई का हमारा स्टेयर रहेगा, इसमें एंटर करेंगे, ये हमारा मेन डोर है, एंटर करेंगे फ्रेंड्स तो हमें हमारी किचन देखने को मिलेगी। हमारा किचन का साइज़ फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे 6 फीट 3 इंच × 8 फीट, यानी कि 6 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई है, 8 फीट इस फ्रेंड्स इसकी लंबाई है। इसके आगे फ्रेंड्स एक ड्राइंग रूम को डिज़ाइन किया गया है, ड्राइंग रूम का साइज फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो 11 फीट 6 इंची × 12 फीट 10 इंची, यानी फ्रेंड्स 11 फीट इसकी चौड़ाई है, 11 फीट 6 इंची चौड़ाई है और 12 फीट 10 इंची इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स का हमारा लॉन दिया गया है, लॉन का साइज फ्रेंड्स आप देख पा रहे होगे 12 फीट 9 इंची × 5 फीट, यानी कि 12 फीट 9 इंची इसकी लंबाई है, 12 फीट 9 इंची इसकी चौड़ाई है, 5 फीट इसकी लंबाई है। ये 5x4 की हमारी एक WC है, 5 फीट इसकी चौड़ाई है, 4 फीट इसकी लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है? उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा पूजा आ जाता है, ये हमारा पूजा रूम है फ्रेंड्स, ये 5x5 का है, 5 फीट इसकी लंबाई है, 5 फीट इसकी चौड़ाई है। हमारा 2 फीट 3 इंची की हमारी वार्डरोब रहेगी, यानी कि अलमेरा रहेगी, इन दोनों के लिए, इसके लिए ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, इसके, ठीक है फ्रेंड्स? इसके आगे हमने पूजा रूम को डिजाइन किया, ये हमारी लॉबी रहेगी, लॉबी का सजा है, लॉबी और लिविंग एरिया फ्रेंड्स बोल सकते हैं इसको, ये हमारा देख पा रहे 16 फीट 7 इंची × 10 फीट 4 इंची का ये हमारा एरिया, यानी कि 16 फीट 7 इंची की चौड़ाई है, 10 फीट 4 इंच की लंबाई है, ठीक है? देन उसके बाद ये हमारा बेडरूम आ जाए, बेडरूम का साइज फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो 11 फीट 6 इंची × 13 फीट, यानी कि 11 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 13 फीट इसकी लंबाई है। ये भी बेडरूम इसी डायमेंशन में बना हुआ है, ये हमारा OTS है फ्रेंड्स, यानी कि टट्टर रहेगा, ऐसे हमारा एरिया मतलब ये खुला ओपन एरिया रहेगा, जिससे हमारा ये अच्छा खासा नॉर्मल इनको वेंटिलेशन मिलता रहेगा, काफ़ी रोशनी इनको मिलती रहेगी, तो अंधेरा कहीं भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ड्रेस रहेगा इस टॉयलेट का, ठीक है? ड्रेस का आप साइज देख पा रहे होगे 4 फीट × 1.5 इंच × 5 फीट, यानी 4 फीट 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 5 फीट इसकी लंबाई है। 5x7 का हमारा टॉयलेट देख पा रहे होगे 5 फीट फ्रेंड्स इसकी लंबाई है और 7 फीट इसकी चौड़ाई है, ठीक है? तो ये फ्रेंड्स हमारी विंडो रहेगी 6 फीट की, ये 5 फीट की विंडो है, ये भी फ्रेंड्स हमारी 5 फीट की विंडो रहेगी,
ये हमारी फ्रेंड्स 4 फीट की विंडो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 विंडो हमारी फ्रेंड्स। ये हमारा डोर है, 3.5 फीट का डोर रहेगा, 3.5 फीट का डोर यहाँ पे है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर्च आएगा, ये ओपन किचन रहेगी हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2.5 फीट का गेट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये हमारा फ्रेंड्स 2 साइड रोड है, ठीक है, तो ये कस्टमर की पसंद है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये कैसी लगी हमारी प्लानिंग, प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए। और यदि फ्रेंड्स का आपको 3D व्यू चाहिए तो बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिए, ठीक है फ्रेंड्स।